What's up, guys? Welcome back to another gameplay video. So, guys, आज हम फिर से खेलने वाले हैं Pokemon Let's Go Pikachu पर GB version. So, guys, पिछले episode में हमने कुछ नहीं बस starter दो starter को पकड़ा था, HM01 cut लिया था और हमारे rival को बस छोटा सा match में हराया था. तो, guys, ये जो layout देख रहे हो तो सब पोकेमोन को मैंने 53 लेवल तक मैंने कर दिया है क्रोमिनाइट को छोड़ के. और जो आप ये लेआउट देख रहे हो गाइस, ये लेआउट बस इसी एपिसोड में रहेगा. अब कल मतलब अब कल आने वाला एपिसोड में से ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा झंझट दे रहा है. एक ही अच्छे से दिख नहीं रहा है कि कौन कौन सा पोकेमोन. मुझे पता है आप लोग देख लोगे कि कौन कौन सा पोकेमोन है फिर भी. और दूसरा है कि मुझे बार बार लेआउट बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा टीम बार बार चेंज होता है. तो इसीलिए मैं लेआउट हटा रहा हूँ. पर ये बैज वाला लेआउट मैं नहीं हटाऊंगा. बैज वाला लेआउट एकदम परफेक्ट है. बैज वाला लेआउट ठीक ही है पर जो ये पोकेमोन का लेआउट है अब ये पोकेमोन का लेआउट मैं हटा सकता हूँ. बैज वाला भी हटा सकता हूँ या नहीं वो तो मैं मुझे ही पता है. फिर भी मैं हटाने की ट्राई करूँगा सबको. फिर भी इस एपिसोड में आप थंबनेल और वीडियो में जो अभी तक हो रहा है आप तक चल गए होंगे क्या कर रहे हैं. लेकिन हम सोच को बुरी तरीके से हराएंगे क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि हेलर्स को मेरे से भी ढीला मतलब मेरे से भी देर खेला था. फिर भी अभी तक उसने जीत लिया है. अभी तो उससे दुश्मन निकली है. फिर भी अब इस एपिसोड में हम आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा इसे तो मैं हरा ही लूंगा उसका कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरा चीज मैं जो कर रहा हूँ वो होगा रॉक टनल को पार करना. हाँ गाइस, इसी एपिसोड में मैं रॉक टनल को पार करूंगा. अगले एपिसोड में एरिका को हराऊंगा. तो फाइनली गजुटेनस सर्च को मैंने हरा दिया है और बैज भी आपको आपके लेआउट में दिख रहा होगा. बैज जो है उधर दिख रहा होगा बैज. तो फिर भी कोई तकलीफ तो नहीं है. फिर भी सो गाइस अब मुझे नॉर्मली इधर से उधर नहीं पर मैं थोड़ा बहुत पकवान को हील अप कर लेता हूँ. और गाइस हील करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा सरुलियन सिटी. सरुलियन सिटी में आ चुका हूँ तो भी कोई तकलीफ नहीं है. और गाइस यहाँ पर जितने भी बैटल है सारे के सारे बैटल को मैंने बस आप सभी लोगों के लिए पूरा बैटल मैंने पूरा स्किप किया है. मतलब मैंने तो किया है पर आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैंने किया है या नहीं. तो इधर से ट्राई करते हैं और इधर से जा नहीं सकते कोई बात नहीं हम फ्रंट से ही जाते हैं. फ्रंट में से ही जाते हैं तो जेडॉस याद रखना मैं जरूर आऊंगा तुझे पकड़ना. पकड़ने पर तेरा कोई काम नहीं है. फिर भी सो अब एक चार मिनट ये क्या है भाई ये ब्लॉक कर रहा है चार्मेंडर को. क्या है गाइस आपको पता है क्या है ये. अगर आपको पता है तो प्लीज जरूर से मुझे बताइए क्योंकि मुझे जानना है कि वो क्या है. तो इसलिए तो आप बता दिए ना मुझे कमेंट में कि ये क्या है भाई. क्या है जो रोक रहा है. मेरे दोस्त ने भी कहा था सेलोडन सिटी में पहुंच के कि उसने ट्राई किया पर नहीं हुआ. तो भी सो गाइज अब से फास्ट फॉरवर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया है. सो गाइज आप बैटल को भी एंजॉय करिए और सॉन्ग को भी क्योंकि मैं पूरा वीडियो तक बोल नहीं सकता मुझे अपना आवाज नहीं गुवाना है. तो गाइज चलिए एंजॉय करिए सॉन्ग. Thank you.
चुका है खत्म और मैं वापस आ चुका हूँ और आईएस वीडियो को भी एंड करने का वक्त हो चुका है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इस बार छोटा है, फिर भी कोई तकलीफ तो नहीं है। स्वागत आज के लिए बस इतना, फिर मिलूंगा मैं आपको अभी पोकेमॉन लेट्स गो के वीडियो के साथ। स्वागत, टिल देन टेक केयर एंड